हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम अपनी कंटिन्यू कर देंगे सीरीज रिलेशंस और फंक्शंस की। हमने अभी तक वेवीकव मेथड पढ़ लिया था, जो कि रेंज निकालने में लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनको करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, पॉइंट्स हैं जो हमको माइंड करने पड़ेंगे आगे बढ़ने में, आगे क्वेश्चन करने से पहले। तो आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन। देखो, मॉड्यूलस फंक्शन हमने पता है क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स क्या करता है, एक्स की वैल्यूज को इनपुट लेता है और उसमें इनपुट लिया और उसको पॉजिटिव बना देता है। आप चाहे पॉजिटिव रियल नंबर्स डालो या नेगेटिव रियल नंबर डालो, वो उसको हमेशा पॉजिटिव करके देगा आंसर। तो इसका हम मैथमेटिकली फंक्शन कैसे लिखते हैं, इट इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। अगर एक्स पॉजिटिव है तो वो आपको सिर्फ एक्स ला के दे देगा, पर अगर एक्स नेगेटिव है, इसे इक्वल टू जीरो कर दो, तो कहीं भी कर सकते हैं उसके, क्योंकि जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही होता है, तो इसमें ऊपर नीचे कहीं भी इक्वल टू लगा सकते हैं। एक्स लेस देन जीरो में क्या करेगा, वो माइनस ऑफ एक्स रिटर्न करेगा। सपोज आपने एक्स इनपुट दिया था -2.3, तो अब हमारा एक्स -2.3 है, अब इसको पॉजिटिव करना है तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन वही करके दे देता है, माइनस कर देता है। तो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ 2.3। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। राइट नाउ अब इसमें हमको डोमेन और फंक्शन रेंज के बारे में पता करना है। इसका ग्राफ देखो, अरे यार सीधी लाइन नहीं खींचते। इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू, अगर मॉड एक्स है तो वाई इज यहाँ पे एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। राइट, तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। अगर एक्स यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में देखो, फंक्शन में अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स आंसर आएगा। राइट, तो वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे बनेगी, सिंपल ऐसे, ओरिजिन से ये एंगल 45 डिग्री रहेगा, ठीक है, नॉट टू स्केल है ये ऐसे सीधी लाइन बनेगी, एक समझ जाना सीधी होगी, ठीक है। और अब एक्स लेस देन जीरो, यहाँ तो एक्स हमारा पॉजिटिव के लिए वाई इज इक्वल टू एक्स बन गया। अब x लेस देन जीरो पे क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो y इज इक्वल टू माइनस x क्या बनेगा, सिंपली सीधी लाइन जिसका एंग वो क्या होगा, स्लोप -1, या टेन थीटा कितना होगा -1, या थीटा कितना होगा 135 डिग्री। तो वो लाइन कैसे बनेगी, ऐसे। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डोमेन। डोमेन क्या होता है, इनपुट। हम इनपुट में क्या क्या डाल सकते हैं, तो देखो इनपुट में हम एक्स पे कोई वेरिएबल नहीं है, हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमेशा कोई भी इनपुट ले सकते हैं। तो हमारा डोमेन क्या है, मॉड ऑफ एक्स का हमेशा रहता है, मॉड ऑफ एक्स का, याद रखना मॉड ऑफ एक्स। अगर मैं कह दूँ मॉड ऑफ 1/x तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ मैं मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ। मॉड की वजह से डोमेन में क्या इफेक्ट आता है, तो मॉड के उससे डोमेन में क्या होता है, आप कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर होता है डोमेन, मॉड्यूलस फंक्शन। राइट, और आपकी रेंज क्या आती है, आप रेंज ग्राफ से खुद देख सकते हो, यहाँ पे वाई की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर वाली। तो रेंज क्या है, पॉजिटिव आर या फिर 0 to infinity, ठीक है, 0 भी इंक्लूडेड है, 0 की इंक्लूडेड है। अगर आप एक्स 0 डालोगे तो जहाँ पे 0 इंक्लूडेड है ना, तो हमारे रेंज में भी 0 आंसर आएगा। और डोमेन क्या है, फुल माइनस रियल नंबर क्या हो गया, इसको अगर वैसे फॉर्म में करें, -∞ to infinity, यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा और यहाँ से -∞, ठीक है। तो डोमेन और रेंज मॉड्यूलस फंक्शन के उससे हमारी डोमेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और रेंज क्या होती है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आंसर आएंगे। मॉड्यूलस का काम भी तो वही है ना, कि सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स दे, आप नेगेटिव डालो, यहाँ पे हमने नेगेटिव एक्स डाला था, पर उसने क्या करा, ये देने की बजाय सिंपल वाई इज इक्वल टू एक्स क्या होता, सिंपल ऐसी लाइन होती, यहाँ पे इसे मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, सिंपल ऐसे यहाँ पे ये होता, पर उसने क्या करा, ये जो नेगेटिव वाई जा रहे थे उसने उसको पॉजिटिव कर दिया, माइनस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था ना माइनस से, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यूज आएंगी रेंज में,
पॉजिटिव रियल। यस देखो ये जो अगला है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है, पर इसके लिए इसके इफेक्ट से कुछ डोमेन्स में रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कहते स्क्वायर रूट को, पर सपोज जैसे अगर आपको दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, या सिर्फ अंडर रूट एक्स की बात करते हैं अभी, तो अगर एफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स दे रखा है, तो देखो डोमेन क्या होगा। आप अंडर रूट वन बताओगे, अंडर रूट टू पता है आपको, अंडर रूट थ्री, इवन अंडर रूट टू बाई थ्री या अंडर रूट पाई, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आ जाते हैं रियल नंबर्स में, राइट। पर अगर मैं अंडर रूट ऑफ माइनस वन कहूँ तो ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप कभी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। मतलब अभी ये वैल्यू फाइंड हो सकती है, इसको अयोटा कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये, अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे, पर इसकी रियल रियल नंबर नहीं है। तो और डोमेन जो होती है ना वो हमेशा रियल को लेके होती है एक फंक्शन की, कि वो हमारा एग्जिस्ट करे रियल नंबर पे, रियल लाइन पे। तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स में डोमेन पे एक कंडीशन होती है कि क्या हो गया, डोमेन क्या होगा, हमारा एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई डोमेन पे, रेस्ट्रिक्शन, नेगेटिव नहीं हो सकता एक्स, तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव अंदर नहीं जाएगा अंडर रूट के, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर रूट ऑफ एक्स है तो इसमें डोमेन क्या हो गई एक्स की, एक्स बिलोंग्स टू जीरो, ये ओपन हो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, इंक्लूडेड है जीरो भी, अंडर रूट ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो, तो जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी जीरो से इन्फिनिटी, रेंज भी होगी जीरो से इन्फिनिटी, राइट। अब क्योंकि आप इन्फिनिटी का अंडर रूट निकालोगे तो इन्फिनिटी आएगा और जीरो का जीरो, बीच में इसका ग्राफ अगर आपको जानना है तो ऐसा होता है, ठीक है, ये रूट एक्स का ग्राफ है। अब चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस पे। देखो लॉग ऑफ एक्स, इसका आपको ग्राफ पता है लॉग एक्स का क्या होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। देखो लॉग ऑफ वन क्या होता है, सबको पता है लॉग ऑफ वन जीरो होता है, तो वन पे इसका आंसर जीरो आता है, तो यहाँ पे क्रॉस करते हो, सपोज ये वन है अगर, तो ऐसे चलता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे टेन टू माइनस इन्फिनिटी करता है, राइट। तो इसकी डोमेन क्या है, इसका भी ऐसा ही गेम है, हमारा एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल टू भी नहीं होता क्योंकि इक्वल टू पे जीरो पे वो बेसिकली, चलो इक्वल टू भी आ जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ जीरो बेसिकली इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो उसको भी हम डोमेन में नहीं लेंगे वैसे। तो लॉग ऑफ एक्स में एक्स की डोमेन क्या आएगी, एक्स की डोमेन आएगी जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, बेसिकली ग्रेटर देन जीरो ही होता है, इक्वल टू भी नहीं आता। तो अब रेंज क्या है, यहाँ से आप रेंज देख सकते हो एक लॉग फंक्शन की, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा जा रहा है, तो रेंज है इसकी रियल नंबर्स, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, सारे नंबर्स ये आउटपुट में दे सकता है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अब लॉग पे सबसे पहले फंक्शन हम नॉर्मली चलते हैं, ये क्या है, सपोज कर लो अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा लॉग ऑफ टी, राइट। अब लॉग ऑफ टी, इसमें टी पे क्या कंडीशन है डोमेन के लिए, हाँ टी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो अब टी क्या है हमारा, यहाँ पे पुट कर दो अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और हमारा अंडर रूट तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आंसर देता है, तो लॉग हमारा पूरा कंटिन्यू हो गया। अब जो हमारा इफेक्ट आएगा वो आएगा अंडर रूट वाले उससे, तो अब हमें पता है अंडर रूट ऑफ एक्स में एक्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो अब नाइन माइनस एक्स स्क्वायर को लेट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर बी यू, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ यू, इसे भी भूल जाना, अंडर रूट ऑफ यू क्या होगा, यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री
इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब हमको पता है ये कैसे सॉल्व होगा, हमने वेवी कर्व मेथड पिछले लेक्चर में कर लिया था नॉर्मल। यहाँ पे हमें रूट्स को प्लॉट करना है, 3 और -3, यहाँ पे अपना वो बनाना है। यहाँ पे 3 पे क्या है, इसकी पावर एक्स की ऑड थी तो साइन चेंज हो गया, यहाँ पे एक्स सॉरी -3 वाले उसमें, और यहाँ पे भी वैसे ऑड है तो यहाँ भी साइन चेंज हो गया। अब ये कह रहा है कि ये हमारा लेस देन जीरो होना चाहिए। लेस देन जीरो कहाँ कहाँ पे है, इधर है। तो एक्स हमारा क्या लाई कर रहा है, -3 to 3, और ये लेस देन इक्वल टू था तो इक्वल टू वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। तो ये हमारी डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन आ गई, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसीलिए ये अपना लेक्चर हमने किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इन सब फंक्शंस के बारे में, वो आपको पता होना चाहिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे चलते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, राइट। अभी इन्हीं की बात करते हैं, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है क्या होता है, ऐसे होते हैं, ये स्केल पे नहीं है, ठीक है, फ्री हैंड बना रहा हूँ मैं। तो ये क्या करता है, साइन एक्स आपकी एक्स की सारी वैल्यूज लेता है बेसिकली, डोमेन इसका एक रियल नंबर होता है, और रेंज देखो ये हमारा -1 to 1 में वो कर रहा है क्या, फ्लक्चुएट या वेव दे रहा है, इसे साइन वेव भी कहते हैं, साइन कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा -1 to 1 के बीच में लाया करता है, सारे आउटपुट इसी के बीच में देता है, राइट। तो इसकी डोमेन पे क्या कंडीशन हुई, कोई कंडीशन नहीं है, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, डोमेन इसकी रियल नंबर है, पर रेंज ये हमेशा -1 to 1 ही देता है। कॉस एक्स में भी ऐसा ही है, ग्राफ देखो सेम है, बस वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, राइट। ये यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है और फिर ऐसे ही चलता है और चलता जाता है, ठीक है। ये ग्राफ है, ये भी हमारा -1 to 1 में लाई करता है हमेशा। डोमेन डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन रियल नंबर है। डोमेन में रेस्ट्रिक्शन की नहीं है, साइन के साइन फंक्शन के लिए नहीं है। अगर मैं अंदर लिख दूं साइन ऑफ √9 - x², तो √9 - x² पे कोई वो नहीं है, ये कुछ भी दे सकता है, पर इस अंडर रूट की वजह से इस पे एक रेस्ट्रिक्शन बन जाएगी कि ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो साइन के वजह से कोई डोमेन में रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, पर उसके अंदर जो भी एक्स है उसमें जो भी वो फंक्शन, अगर क्या कहते हैं इसे, फंक्शन के अंदर फंक्शन जो अगर बन गया, तो उसके हिसाब से अंदर वाले फंक्शन में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो उसके हिसाब से डोमेन निकलेगी, ठीक है। साइन के वजह से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आती, ये ऑल वैल्यूज ले लेता है, रियल नंबर, ठीक है। इसकी रेंज होती है -1 to 1, आउटपुट -1 to 1 के बीच में आएगा। ऐसे ही कॉस के साथ है, कॉस भी रियल नंबर की डोमेन है और रेंज इसकी रेंज है -1 to 1, राइट। टेन की बात करते हैं, टेन का ग्राफ थोड़ा अलग है, टेन का ग्राफ थोड़ा अलग है, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे बनता है, तो हमारी टेन फंक्शन में एक रेस्ट्रिक्शन आ रही है क्या, कि ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, लाइक π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2। तो डोमेन में एक रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1π/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, राइट। क्योंकि देखो ऑड मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड चले जाते हैं, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाते हैं, ठीक है। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें रियली चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं, अपन को रियल आंसर्स चाहिए। तो रियल आंसर्स सब जगह आ रहे हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। सो डोमेन में, डोमेन क्या हो गई इसकी, रियल नंबर्स -2n+1π/2, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। रेंज पूरी है रियल नंबर की एक्सेप्ट दीज डिस्क्रीट पॉइंट्स, इन डिस्क्रीट पॉइंट को छोड़ के इन पे नहीं आएगा, ये अपने डोमेन में नहीं है, ठीक है। इनको छोड़ के सारा रियल नंबर हमारा डोमेन में है, और रेंज क्या है, रेंज फुल है, रेंज रियल नंबर है, सारे आंसर्स मिल रहे हैं, देखो -∞ to ∞ जाता है ये ग्राफ, रियल नंबर है बेसिकली -∞ to ∞, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जरूरी थे पता करने।
अब आप गो फ्री और गो टू गो, रेडी टू गो अपना सॉल्यूशन 2.3 करने के लिए, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो होप यू आर फाइन, टेक केयर। अभी कोविड फिर से फैल रहा है, मास्क लगाओ, घर पे बैठो, और अगर कोई भी डाउट आए इस लेक्चर में, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना अपने तरफ से। अब सॉल्यूशन 2.3 आप कर सकते हो, तो एक बार उसे ट्राई करना, और अगर कोई डाउट है तो अगले में तो सोल्यूशन आ ही जाएगा उसका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब के लिए।